है कि आलिया भट्ट पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। दरअसल वो 8 दिसंबर को फिल्म मेकर करण जौहर की पार्टी में शामिल हुई थी, जहां पर करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि आलिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नियमों के मुताबिक आलिया भट्ट भी उसी पार्टी में थी, तो उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना था, लेकिन वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए दिल्ली गई। इसके बाद कहा गया है कि बीएमसी ने उन्हें दिल्ली में ही क्वारंटीन होने के लिए भी बोला था, लेकिन वो फिर भी मुंबई लौट आई। एक न्यूज सोर्स के मुताबिक बीएमसी की एक कमेटी ने आलिया पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई महानगर पालिका की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन राजुल पटेल ने बताया, आलिया भट्ट नियम का उल्लंघन कर दिल्ली गई और वहां जाने के बाद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, जो कि बेहद गलत बात है। आलिया भट्ट को सबक मिलना जरूरी है और कानून सबके लिए समान है। आलिया एक सेलिब्रिटी है और एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें समझना चाहिए था कि कई लोग उन्हें फॉलो करते हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आलिया को इतने सारे नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। आलिया भट्ट ने बुधवार को रणबीर कपूर, डायरेक्टर अयान मुखर्जी और बाकी टीम के साथ दिल्ली में अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन किया था। इसके अलावा वो दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा भी दर्शन करने के लिए पहुंची थी। मनोरंजन संबंधित खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं शिखा उपाध्याय, द आर्ट रिंग।